हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है कच्चे आम की सब्ज़ी, जो बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है और हम इसे बनाएंगे बड़े ही सिंपल तरीके से। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कच्चे खट्टे आम। आप चाहिए तो स्वीट आम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन आम को अच्छे से धो के इसका ऊपर का छिलका निकाल लिया है। उसके बाद आप इसे अपने मनचाहे शेप और साइज में काट लें। मैंने यहाँ पे उसकी गुठलियाँ भी ली है। उसके बाद एक कढ़ाई में हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए रख देंगे। जैसे कि हमारा तेल गरम हो जाए, हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई के दाने। राई के दानों को अच्छे से तड़कने दें। राई तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे 8 से 10 कुटी हुई लहसुन की कलियां, साथ में 2 करी लीव्स के स्ट्रिप्स। अब हम इसे लहसुन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जैसे कि अब हमारे लहसुन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए आम के पीसेस। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक यूज़ किया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। जैसे कि हमारी सभी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। अच्छे से एक बार सभी चीजों को मिला लेंगे। सभी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं। अब हम इसे ढक्कन ढक के 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। करीब 7 मिनट के बाद हमारे आम यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% तक पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे करीब 150 ग्राम्स गुड़। चाहिए तो आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब गुड़ को सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिला लें। ध्यान रखें कि गुड़ के कोई लम्स ना बचे। सभी चीज़ों के साथ गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे फिर से ढक्कन ढक के करीब 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे।
अब करीब 5 मिनट के बाद हमारी सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इफ़ यू लाइक माई टूडेज वीडियो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर द फर्दर अपडेट्स ऑफ माई न्यू वीडियोज फर्स्ट फॉर यू। Bye bye, love you all, see you soon with a new recipe.